हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज मैं बनाने वाली हूँ न्यू रेसिपी गुड़ का पेड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम लगभग 200 ग्राम गुड़ लिए हैं। अब इस गुड़ को हम कद्दूकस करेंगे। इस तरह से कद्दूकस कर लेना है, ध्यान से करना है, कहीं हाथ में ना लगे। आप चाहे तो इसे उखली से भी तोड़ सकते हैं गुड़ को, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप गुड़ को छोटे टुकड़े में करना है। देखिए सारे गुड़ को हम कद्दूकस कर लिए हैं और हम 1 लीटर दूध लिए थे, इसे हम गर्म करके ठंडा कर दिए हैं। ऐसे उंगली डाल के देखना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए, पूरा ठंडा हो जाना चाहिए, जैसे उंगली में हल्का सा लगे। अब इसमें गुड़ डाल देंगे, पूरा गर्म दूध में नहीं डालना है, नहीं तो दूध फट जाएगा। अभी मेरा गैस ऑफ है, अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और धीमी आंच पे गैस को कम करके इसको मेल्ट होने देंगे। अच्छे से देख रहे हो मेल्ट हो रहा है ये। देख रहे हो ये गाढ़ा भी होने लगा, पूरा सुखाना है इसको। अभी बीच बीच में इसको चलाते ही रहना है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। अब इसको तुम चलाते ही रहना है, हाथ को रोकना नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये गुठली पड़ जाएगी। चलाते रहने होगा कि चिकना बनेगा पेड़ा। अब देख रहे होंगे पूरा सूखता ही जा रहा है ये। इसको चलाते ही रहना है बीच बीच में। अब पूरा सूखना शुरू हो गया ये। अब बहुत इजी बनाना है ये पेड़ा, गुड़ का पेड़ा, और बहुत टेस्टी भी लगती है ये। अब इसमें डालेंगे इलायची के दाने, आप चाहे पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करते रहना, क्योंकि अब ये सूखना शुरू हो गया, नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं चलाइएगा तो कढ़ाई में सट जाएगा, जल जाएगा। चलाते ही रहना है। देख रहे होंगे पूरा सूख गया है। पूरा सूख गया पूरे अच्छे से। अब चलिए हम गैस को ऑफ कर दिए हैं, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। इसको छोड़ देते हैं हम 1/2 घंटे के लिए, ठंडा होने देंगे। देखिए पेड़े तो ठंडा हो गया इसका मिश्रण। हाँ, से इस तरह से टच करके देखना है ठंडा हुआ है कि नहीं। देख रहे हो कितना अच्छा से बना हुआ है ये। पेड़े तो बहुत खाएंगे, लेकिन एक बार गुड़ का पेड़ा बना के आप लोग जरूर देखिएगा और जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। अब इस तरह से हाथ में गोले बना लेना है, इस तरह गोल गोल, जैसे पेड़ा का आकार होता है ना, उसी तरह से बनाना है। और इस तरह से उंगलियों से हल्का सा प्रेस कर देना है, हल्का सा चपटा कर देना है। देख रहे हो इस तरह से। अब हाथ में थोड़ा सा घी भी लगा ले। थोड़ा सा घी लगाने से होता है क्या, इजी होगा गोला बनाने में। इसी तरह से हाथ से प्रेस कर देना है।
देखिए फ्रेंड्स, सारे पेड़े हम बना लिए हैं और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ते से। आप चाहे तो बादाम से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है उससे आप गार्निश कर सकते हैं। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी गुड़ का पेड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरे गुड़ का पेड़ा? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।